वेलकम टू राइज एकेडमी। राइज एकेडमी में आपका स्वागत है। जब आप बायो में, जो क्लास 11 की बायो है, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो आप इसके पास आते होंगे जिसका नाम है रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यानी ये मैकेनिज्म क्या है, जब नीट में इससे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कैसे फंस जाते हैं, इनको हम देखेंगे। बहुत ही बेसिक से चलेंगे और टू द कंसेप्ट हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। हमारे पास है रास मैकेनिज्म। ओके, अब जो वर्ड है, पहले वर्ड्स को समझते हैं। रास, ये कोई रास लीला वाली रास नहीं है। ये आर है, इसका मतलब होता है रेनिन। ए फॉर एंजियोटेंसिन, और ये वाला ए का मतलब एल्डोस्टेरोन, और इसका मतलब सिस्टम, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यह है रास मैकेनिज्म। अब होता क्या है कि जब भी बॉडी में जीएफआर फॉल हो जाती है, अब आप कहेंगे जीएफआर क्या है, तो इतना आपको मालूम होनी चाहिए कि जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ओके, तो जो ये रेट है, ये जब फॉल हो जाती है किसी भी कारण से, तो हमें रास मैकेनिज्म को देखना होता है। यानी नीट में आपके सवाल आ गए कि भाई फलाना कुछ भी दे देगा और पूछेगा कि भाई आंसर दीजिए, ऑप्शन टिक कीजिए, तो आपको सिंपल सा एक तरीका है, क्या देखना है कि जीएफआर वर्ड यूज हुआ है या नहीं, या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो वर्ड है ये यूज हुआ है कि नहीं क्वेश्चन में। यदि वो क्वेश्चन में यूज हुआ है तो हो ना हो 90% चांस है कि वो रास मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। ओके, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी जीएफआर गिरती है या बढ़ती है, यानी जब भी ब्लड प्रेशर घटता है, बढ़ता है, या फिर वाटर का लॉस होता है, साथ में आयंस का भी लॉस होता है, तो क्वेश्चन रास मैकेनिज्म का होता है, तो क्वेश्चन जीएफआर का होता है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब होता क्या है कि जब भी हमारा जीएफआर फॉल कर जाता है, कम हो जाता है, फिल्ट्रेट कम बनते हैं, उस कंडीशन, भाई बॉडी की एक कंडीशन होती है कि होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना, यानी कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है, दैट इज होमियोस्टेसिस। तो बॉडी तो होमियोस्टेसिस करेगा। अब जीएफआर नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए होमियोस्टेसिस के अकॉर्डिंग, लेकिन जब ये फॉल करेगी तो होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा। इसको बढ़ाने के लिए जैसे ही जीएफआर घटेगी तो क्या होगा, हमारा रास जो मैकेनिज्म, ये जो सिस्टम है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। हमारे पास कुछ होते हैं जेजी सेल्स। क्या होते हैं? जेजी सेल्स। जेजी मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। कहां होते हैं? जेजीए एपरेटस में होते हैं, यानी जो आपका ग्लोमेरुलर है और जो डीसीटी है उसके पास वाले रीजन में जो डीसीटी के जो सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं एंड एक्ट्स एज अ जेजी सेल्स। ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं रेनिन। ओके, ये रेनिन क्या है, कन्वर्ट कर देता है किसको, एंजियोटेंसिनोजेन को ये कन्वर्ट कर देता है। वन मिनट, मैं इसे थोड़ा और पीछे लिख देता हूं। एंजियोटेंसिनोजेन इसको ये कन्वर्ट कर देता है रेनिन, किसमें, एंजियोटेंसिन में। अब आपको याद होगा, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ा है तो वहां पे दिया हुआ है पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन। मतलब पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया जा रहा है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो यहां भी एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट है।
अब ये जो रेनिन है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एंजियोटेंसिनोजिनेज एंजाइम, एंजियोटेंसिनोजिनेज एंजाइम। लेकिन है तो ये हार्मोन। यानी रेनिन को ना कुछ किताबें कुछ जगह पे हार्मोन की तरह देखती है और कुछ जगह पे एंजाइम की तरह देखती है। एंजाइम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जहां पे ये रिलीज होती है वहीं उसी आसपास के एरिया में वो वर्क करती है, लेकिन हार्मोन कहीं कहीं से रिलीज होते हैं और कहीं और वर्क करते हैं। मतलब एक पॉइंट ए से रिलीज हुए और पॉइंट बी पे वो एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो वो हार्मोन हो गया। ऐसे हार्मोन का तो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो यहां पे ये दोनों तरह से वर्क कर लेता है। अब एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन वन बना, अब एंजियोटेंसिन वन से क्या बनेगा, एंजियोटेंसिन टू। इसके पीछे एस एंजाइम का हाथ होता है, किसका, एस एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन टू हुआ, ये एंजियोटेंसिन टू किस नेचर का है, वैजो कॉन्स्ट्रिक्टिव नेचर का है, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। क्या कराएगा, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। अब जब नैरो वाइड जो ब्लड वेसल्स के जो ल्यूमेन थे वो वाइड थे, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण वो नैरो हो जाएंगे। अब ब्लड को बहुत तेजी से भागना होगा, पहले वाइड था बहुत धीरे धीरे भाग रहा था, जैसे ही वो नैरो होंगे अब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी, तो वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो हमारा बोमेंस कैप्सूल है ये पीसीटी है, तो यहां जब एफरेंट आर्टेरियोल आएंगे यहां पे ग्लोमेरुलर बनेगा और ये इफेरेंट आर्टेरियोल। तो जब ब्लड आएगा और जाएगा, लेकिन यहां पे जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो फिल्ट्रेट है उसके फॉर्म होने का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। अब कम समय में ज्यादा फिल्ट्रेट बढ़ेंगे, यानी हमारा जो जीएफआर फॉल हुआ था वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। यदि ज्यादा देर तक ये एंजियोटेंसिन 2 वर्क करता रहा तो बीपी नॉर्मल से भी ऊपर बढ़ जाएगी और जीएफआर भी नॉर्मल से ऊपर बढ़ जाएगी। यानी ब्लड प्रेशर और जीएफआर का कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिलेशन होता है, ये हमें समझ के चलना है। अब बीपी तो बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर, साथ ही साथ जीएफआर बैक टू नॉर्मल, जीएफआर क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ओके, अब होता क्या है कि किसी कंडीशन में मान लीजिए नॉर्मल से भी ऊपर चला जाए तो क्या होगा, कोई तो होना चाहिए कि भैया इसमें रोग लगा है। तो हमारे पास इसको चेक करने के लिए चेक मैकेनिज्म नहीं कहेंगे, चेक सिस्टम कहेंगे। ओके, चेक सिस्टम है क्या, ANF, ब्लड जब पास होती है हार्ट के एट्रिया के पास से, तो क्या होता है, एट्रिया के वॉल्स है उनमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ सेंसर होते हैं, वो सेंसर्स क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं कि ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है। ओके, ब्लड की जो प्रेशर है किस रेट से वो फ्लो हो रहा है ये भी सब सेंस कर लेते हैं, और जब उसे लगता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो एट्रिया की वॉल्स सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, ANF, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, और ये क्या करा देता है, वैजो डायलेशन कराता है, क्या कराता है, वैजो डायलेशन। अब जब ब्लड वेसल्स डाइल्यूट हो जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, जीएफआर डिक्रीज करेगा, यानी ये यदि एक्सेस बढ़ जाएंगे नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल यदि नॉर्मल रहेंगे तब ये ANF रिलीज ही नहीं होगा, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएंगे तब ANF रिलीज होगा, और जैसे ही ANF रिलीज होगा वैसोडाइलेशन होगा तो GFR फिर गिरेगा। ज्यादा देर तक ANF रिलीज हुआ तो GFR और ज्यादा गिर जाएगा, नॉर्मल से भी कम हो जाएगा, फिर क्या होगा, जैसे ही नॉर्मल से कम होगा फिर जेडी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी ये दोनों एक दूसरे का काउंटर, ये बढ़ाने का काम करता है ये घटाने का, और इस तरह से बैलेंस होता है, तो होम्योस्टेसिस इज मेंटेन्ड। तो यही है आपका रास मैकेनिज्म, बट इसमें जो एल्डोस्टेरोन है ये भी रुका हुआ है, अभी हमने इस पे नहीं बात की है। तो अब हम बात करते हैं एल्डोस्टेरोन पे कि भाई इसमें एल्डोस्टेरोन का क्या काम है। तो मैं इधर साइड में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
और मैं आगे बताता हूं। फिर अंत में मैं उसे समराइज कर दूंगा, समरी बना दूंगा। अब एल्डोस्टेरोन क्या है, यहां पे मैंने देखा था एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन टू, ये क्या कर रहा था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था। लेकिन इसका एक और काम है, ये जो हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड है ना, एड्रेनल ग्लैंड, इसके कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि भैया आप क्या सिक्रीट करो, एल्डोस्टेरोन, क्या सिक्रीट करो, एल्डोस्टेरोन। और ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एडीएच, क्या नेचर इसका, एंटी डायुरेटिक हार्मोन। ये वाटर का, एडीएच हटा देते यहां से, वाटर एंड सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। क्या कराता है, वाटर और सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, कहां से, फ्रॉम डीसीटी। तो इस टाइप के रीअब्जॉर्प्शन को कहेंगे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, क्या कहेंगे, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन वाटर और सोडियम का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम डीसीटी। ओके, तो कहीं ना कहीं यदि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर वापस से ब्लड में बढ़ जाएगा, ब्लड में वाटर बढ़ेगा तो ब्लड थोड़ी डाइल्यूट होगी, यानी अब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगी, जीएफआर बढ़ेगा, सिंपल सा बात है भैया। फिर ये जो एएनएफ वाला काम है वो होगा, यानी जो हमारे पास रेनिन है और एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन है, ये क्या काम करते हैं, जीएफआर बढ़ाने का काम करते हैं। और इनको चेक मैकेनिज्म, चेक सिस्टम के अनुसार जो हर्ट का जो एएनएफ है, एएनएफ, वो एएनएफ क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है, और यही है आपका रास मैकेनिज्म। क्वेश्चन कहां से आएंगे, क्वेश्चन आएगा एल्डोस्टेरोन से। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कौन कराता है, एल्डोस्टेरोन कराता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, कहां से होता है, डीसीटी से, मतलब इन पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, और क्या है इसमें, जो एंजियोरेनिन क्या कर रहा था, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर रहा था एंजियोटेंसिन वन में, लेकिन उस एंजियोटेंसिन 1 को एनसीईआरटी लिखती है कि इज फर्दर कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2, लेकिन फर्दर कन्वर्टेड बाय हूम, कौन, एनसीईआरटी नहीं लिखती, तो वहां पे हम लिखेंगे एस एंजाइम, एसीई एस एंजाइम। मुझे लगता है कि ये नहीं आएगा एस एंजाइम, बट यू शुड नो इट। अब क्या है कि जो हमारे पास हर्ट का एएनएफ है, ये अलग ही अपना एक सिस्टम चलाता है। इसी से एक रिलेटेड है हाइपोथैलेमस वाला कंडीशन, जब डायूरेसिस होती है, आयंस उतने लॉस नहीं होते हैं लेकिन नॉर्मली डायूरेसिस हो रही है, वाटर का तो लॉस हो रहा है, उस कंडीशन में जो हमारे बॉडी में जगह जगह सेंसर्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, वो ये चीज सेंस कर लेंगे कि वाटर की कमी हो गई है, ठीक है, तो उससे एक मैसेज जाएगा ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को, कि भैया न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच का सिक्रीशन करवाओ, और वो एडीएच यानी एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो सिंपल रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो ये रास मैकेनिज्म था, वाटर रीअब्जॉर्प्शन से रिलेटेड था। ऐसे ही फैक्ट्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ही आसान भाषा में आपको समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी वीडियो को देख रहे हो आप उस वीडियो में कमेंट करें कि फलाना टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, फलाना चीज आप समझा दीजिए, मैं अगले ही कुछ दिन के अंदर उससे रिलेटेड वीडियो रिलीज कर दूंगा। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च की काम होती है, और आप चाहते हैं ऐसे कंटेंट मिलती रहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ फायदा हुआ हो तो इसे थम्स अप जरूर दें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय, कीप योर लर्निंग गोइंग ऑन।